दूसरे सेशन में मेरे साथ जो इस सेशन में भागीदारी करेंगे वो लोग आ गए हैं, और मैं आग्रह करूंगा अपने ऑफिस से कि उनको मेरे साथ संजीव सूद साहब हैं, संजीव सूद साहब बीएसएफ के रिटायर्ड ऑफिसर, मेरे साथ कल फसी अहमद साहब हैं। कल फसी अहमद के साथ मैं एक डिस्क्लेमर कर दूं, मेरे भाई इनके साथ काम किए थे, मेरे मुझसे जो बड़े भाई तब नहीं रहे। मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने अपनी मूछें, उन्हीं की मूछें फौजी जैसी लग रही हैं, और शायद हम लोग को फक्र है कि हमारे हमारे देश की जब भी बात आती है तो हमें एक एक ऐसे ऐसे जवान और ऐसे उसकी होती है जो शायद डॉक्टर राकेश पाठक टाइप इस समय रहे। मेरे साथ विवेक देशपांडे साहब हैं। मैं इसको इसको शुरू करूं उससे पहले एक मेरे दोस्त हैं राजीव त्यागी, और इस जो ये सेशन हम कर रहे हैं इसका विषय है भारत चीन को लाल आंख कब दिखाएगा, क्योंकि ये सब लोग कहते हैं कि हाँ चीन ने हमारी जमीन कब्जा की, ये सब लोग कहते हैं कि चीन हमारे ऊपर वो कर रहा है, लेकिन हम चीन का नाम लेने से डरते हैं, क्यों डरते हैं ये नहीं मालूम। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, मेरे एक दोस्त हैं राजीव त्यागी, रेलवे के रिटायर्ड अफसर हैं, उनको शेरो शायरी में बहुत वो शौक है, वो उन्होंने मुझे ये जब मेरा सेशन देखा तो उन्होंने हर सेशन के लिए एक एक शेर भेजा है, उन्होंने कहा भाई इसको पढ़ देना और उस सेशन की जिस्ट बताने की कोशिश की है। उन्होंने इस सेशन के लिए कहा है जालिम कहां ना गया सितमगर कहा गया, कातिल के डर से कुछ भी ना खुलकर कहा गया। उनका कहना है कि जो जालिम है उसको सितमगर कहा गया और कातिल के डर से कुछ भी खुलकर ना कहा गया। मैं इस पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक छोटी स्टोरी आपको इसलिए बता दूं क्योंकि वो इंस्पायरिंग है। मेरा हर उस भारतवासी से आग्रह है कि अगर वो अफोर्ड कर सकता है, बहुत सस्ती जगह नहीं है, तो उसको दो जगह जरूर जाना चाहिए, और वैसे ही जाना चाहिए जैसे अगर हम चार धाम की यात्रा करते हैं, मेरे लिए उतना ही है। हम चार धाम की यात्रा करते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वो मंदिर मस्जिद से ज्यादा पवित्र जगह नहीं है मेरे हिसाब से। एक लेह लद्दाख और दूसरा तवांग जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये देखना चाहिए कि हमारे जवान किस हालात में किस जगह कैसे इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। जब मैं तवांग जाता हूँ, तवांग की बात करता हूँ, तो मैं एक छोटा इंसिडेंट आपको बता दूं। वो इंसिडेंट इसलिए है कि इस किताब से है, आप लोग अगर इस किताब को देख लीजिएगा, बहुत से ये इंसिडेंट कोटेड है, मैं अभी गया था तवांग, लंबे इंसिडेंट है, छोटा इंसिडेंट इसलिए कि आपको सुन के अच्छा लगेगा। सूबेदार दशरथ सिंह थे, हिंदुस्तान चीन की लड़ाई शुरू होती है 19-20 अक्टूबर को, सेकंड राजपुताना के अफसर के सूबेदार साहब, उनको 28 गोली लगती है, और वो वहां जब चीन के वो समय पियो, क्योंकि पहला ही दिन था, तो अभी उनको उठा के ले जाते हैं और उनके जब उपचार होना शुरू होता है, तो वहां पे एक बात आती है, उनसे जो नर्स आती है वो पूछती है आप कहाँ के, रहने वाला इटावा के थे शायद, लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं इलाहाबाद का, और ईश्वर का न्याय देखिए, वो जो नर्स थी चीनी नर्स, उन्होंने अपना नर्सिंग का डिप्लोमा इलाहाबाद से किया था, और फिर वो अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं कि इन सुबेदार दशरथ सिंह की 28 गोली जो खाए थे, और जो जो डेंजर लिस्ट में थे उनको डेंजर लिस्ट से क्रिटिकल लिस्ट में निकाल के लाना। और सुबेदार दशरथ सिंह साहब बहुत दिन तक जिंदा रहे, शायद अभी 5-6 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि बहुत कुर्बानी हुई है, बहुत कुर्बानी हुई है, और खास करके चीन की जब आप सीमा पे जाते हैं और चीन से जब आप देखते हैं तो हमारे हम लोगों ने मतलब इतनी कुर्बानी है कि आपको आंसू निकल आएंगे। चीन के बारे में हम लोग कुछ बोलते नहीं है, ऐसा एक ये है कि भाई चीन से हमारा बहुत ज्यादा व्यापारिक संबंध है तो शायद हम उनको गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, इसकी ये भी एक कारण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि चीन से डर का और भी कारण है। मैं सबसे पहले चूंकि कल फसी मेरे साथ हैं, कल फसी आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि देश में बहुत से हमारे रक्षा मंत्री हुए, हमारे रक्षा मंत्री नेहरू जी थे, मेनन साहब थे, एसबी चौहान थे, स्वर्ण सिंह साहब थे, लेकिन जब से 2014 से आए तब से हमने एक रक्षा मंत्री के तौर पे, कभी अरुण जेटली साहब पार्ट टाइम रक्षा मंत्री, वो वित्त मंत्री भी रक्षा मंत्री भी, फिर मनोहर पर्रिकर साहब बीच में आए, फिर निर्मला सीतारमन जी को रक्षा मंत्री बना दिया गया। मैं किसी की कॉम्पिटेंस पे वो नहीं कर रहा हूँ सवाल, अब राजनाथ सिंह जी को पिछले 5 साल से बनाया गया है। ये रक्षा मंत्रालय पे कहीं से हमारा जो जैसे वो हमारी शान होती है ना, और जिस तरह से हम जवाब देते थे, जिस तरह से हम रिएक्ट करते थे चीन पे,
वो अब हम रिएक्ट पिछले 8-9-10 वर्षों से नहीं कर रहे हैं। हाल के दिनों में मुझे अकेला एक वक्तव्य राहुल गांधी का अमेरिका से मिला, जब उन्होंने कहा, उन्होंने विश्व मंच पे कहा कि भाई चीन ने हमारी जमीन ली है और वी मस्ट टेक दिस अप, हम लोग को इस बात को कहना चाहिए। मैं इस पे थोड़ा बात करूं, हम क्यों नहीं कहते हैं अपनी बात, हमारी जमीन ली है ठीक है, आज नहीं देंगे 2 साल बाद देंगे, 200 साल बाद देंगे, लेकिन हम उसको लगातार लड़ते तो रहना चाहिए। कल फसी मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ नमस्कार, आपने एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल हमसे पूछा है। वेल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इंडियन आर्मी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा के लिए बनी है और उसमें जिसका जो स्थान है वो अपनी जगह पे है। हमने बहुत अच्छे किसी को ग्रेड नहीं कर रहे हैं, देवर उनका अपना एक अलग रोल था, लेकिन बहुत डिपेंडेबल रोल रहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स का पुराने उसमें। आप 1967 को चले जाइए जब से हमने अपने होश संभाले थे और मैं पढ़ने लगा था बिकॉज मेरे 3 भाई लड़ रहे थे उस टाइम इंडियन आर्मी की तरफ से। 1967 की लड़ाई में मेरे 3 बड़े भाई लड़ रहे थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में एक एक। तो आप चौहान साहब की आप वो देखिए, द वे ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद द टू मेन एक्टर्स, जनरल चौधरी और अर्जन सिंह, बिकॉज यही दोनों उस टाइम, नेवी इतनी ज्यादा रोल में नहीं आई थी बिकॉज हमने, हालांकि हमारे एक भाई थे INS गोमती में, एक फ्रिगेट थी उसमें, वो कराची के ऊपर ब्लॉकेड के लिए तैयार थे बट दे डिडंट गो, वो खाली एक प्रेशर बनाया हुआ था। बट आप इनको पढ़िए, इनको देखिए, जिस तरह उन्होंने मैनेज किया, खाली चार प्लेयर्स थे उस वक्त, शास्त्री जी, चौहान साहब, जनरल चौधरी और अपने एयर मार्शल अर्जन सिंह। इनकी मीटिंग्स देखिए आप, कभी पालम एयरपोर्ट पे, कभी किसी के घर में, एंड ये हायर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम जंग लड़ रहे थे और उस टाइम की ये बात है। और जिस तरह इनके आपस में, और लास्ट का हमें याद है उनका जो इन्होंने, चौहान साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि इट इज अ वेरी बिग डे फॉर अस टुडे, जब हमारा सीज फायर हुआ है, जो खत्म हुई है, इट इज अ वेरी बिग डे फॉर अस, और क्या नाम है, आज से चौधरी और अर्जन सिंह इनका रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता है। नाउ दिस इज हाउ यू द डिफेंस मिनिस्टर वुड पे बैक टू द टू चीफ्स, जो दो संरक्षक थे, जिनसे जो संचालक थे, सॉरी, उनको पे बैक करने का। बाकी उसके बाद आई वर्क्ड जगजीवन राम साहब के सामने देखा है हमने, अ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन भाई, वो हमारे, इनफैक्ट हमें याद है, हमें मेरठ में वो आए भी थे जो हम लोग वहाँ पे थे, और आप हम वहाँ पे बहुत ही, हम तो बहुत यंगस्टर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेकिन ये था कि भाई हमने रूबरू उनको देखा था, और उसके बाद जो उनके बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, द वे ही मैनेज वो ये फौज, दखल अंदाजी नहीं थी, दखल अंदाजी किसी की नहीं थी, बहुत इज्जत के साथ फौज को देखते हैं आज भी परहैप्स वो, लेकिन जो रुतबा है, मतलब आप देखिए वो धीरे 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 क्या नाम है, हमारा जो एक रक्षा मंत्रालय की जो हैसियत थी, जो अहमियत थी, वो धीरे 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 डाइल्यूट होती चली गई, और अब क्या नाम है, अब वी ऑल नो, यू नो, वी नो कि अब PMO डिसाइड करता है चीज़ें, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो तो खाली एक पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रह गई है, बिकॉज अब वहाँ से डिसीशन होते हैं, और राइटली जो CCA में भी आपको मालूम है, कैबिनेट कमिटी ऑफ ऑन सिक्योरिटी में भी क्या कौन होता है, हमारे तीनों चीफ्स की और JCS तक की तो उसमें, CDS तक की तो उसमें एंट्री नहीं है। तो वी नो वेयर
वो है और उनसे इसीलिए उम्मीदें बहुत हैं। आप क्या नाम है, एक एक वर्ड, यू सी आज की प्रॉब्लम, लेट्स कम बैक टू द मेन सब्जेक्ट, आज की प्रॉब्लम क्या है, हम अभी तवांग की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 775 किलोमीटर का लद्दाख का जो बॉर्डर है जिसको मैंने खुद बड़ी नजदीक से देखा है उस पे बताता हूँ। वहाँ पीएलए जो है वो बहुत असर्टिव इसलिए है, नॉट बिकॉज द इंडियन आर्मी इज वीक देयर, हमारी फॉर्चुनेटली इस टाइम हमारी एक यूनिट जिसमें कि हम कमीशन पाए थे वो वहीं पे है, और एक यूनिट जिसमें हम सेकंड इन कमांड थे वो तवांग में है, तो हमें हमारी दो यूनिटें जो दो मेरे अपने घर हैं वो इस वक्त दोनों फेस टू फेस हैं। तो इसलिए क्या नाम है, वो असर्टिव नहीं है कि इंडियन आर्मी कमजोर है वहां पे, इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली फिट टू रिस्पॉन्ड इन एनी मैनर, एंड वी हैव सीन कैसे बिहारी ने रिस्पॉन्ड किया था है? तो बट द प्रॉब्लम इज हमारा पॉलिटिको डिप्लोमेटिक सेटअप जो है वो बड़ा अनअसर्टिव है, जिससे कि मौका मिल रहा है उनको पीएलए, यू सी पीएलए का तो खेल है ग्रोपिंग इन डिस्टर्ब्ड वाटर्स, उसमें घूमते रहो अपना। आज हम परेशान ये हैं कि बजाय इसके कि हम रिस्पॉन्ड करें, हम अभी क्या नाम है, हम वही 17 कोर कमांडर स्टॉक्स की बातें करते हैं, अरे भाई कोर कमांडर स्टॉक्स में क्या डिसीजन हुआ, उसमें खाली डिसएंगेजमेंट का जिक्र हुआ है और क्या नाम है डीएस्केलेशन चाइना बात ही नहीं कर रहा है। डिसएंगेजमेंट तो बड़ा ही फौरी, जिसे कहते हैं कि आपने किसी के मरहम पट्टी लगा दी, फर्स्ट एड दे दी कि भाई डिसएंगेजमेंट हो गया है, हाँ लेकिन जो हम लूज कर चुके हैं जमीन वो कहाँ गई। आप देखिए हमारे कौन कौन से वहां पे स्पॉट्स थे, डेपसांग, गलवान, अपना गोगरा, काकुंग, पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न दो टिप्स, नॉर्दर्न 6-7 टिप्स, इसके अलावा कैलाश रेंज और डेमचोक। अभी हमारे हमको ये बताया जाता है जो कि पब्लिक डोमेन में कि भाई 5 जगह हमने सेटल कर लिया है, सेटल क्या किया है, हमने डिसएंगेज किया है। नाउ डिसएंगेजमेंट इज नॉट डीएस्केलेशन, डीएस्केलेशन जो हम बात कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं कि स्टेटस को एज ऑन 2020 जो था उसको मेंटेन किया जाए, जिसमें कि फोर्सेस भाई ठीक है हमने भी बिल्डअप किया था, उन्होंने भी बिल्डअप किया है, हम ये बात कर रहे हैं कि तुम सिस्टमैटिक क्या नाम है डीएस्केलेशन करो, जो वो जो अपने वो टेम्परेरी पोजीशन थी उन्होंने आगे बढ़ के ली थी या परमानेंट लोकेशन जो थी उनकी, विच आर अबाउट 100 किलोमीटर बिहाइंड। अभी आप क्या नाम है जो हमारी जमीन चली गई है, अब आप देखिए जो जो हमने लूज किया है, ये तो वहां के एसपी ने भी बताया है, जो हमने ग्रेजिंग लैंड लूज किए हैं इन गोगरा गोगरा हिल्स में, वो तो चले गए हमारे से तो ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ये एक्चुअली एक एक बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतने विशाल पोजीशन में हैं हम आज की, मतलब आप ये देखिए कि हमारी हैसियत क्या है और उसके बाद हम इतने कमजोरी से वी आर वरिड अबाउट अपना ताइवान स्ट्रेट्स। अरे भाई ताइवान स्टेट्स को पढ़ो, देखो, ऑब्जर्व करो वहां क्या हो रहा है, लेकिन फिकर तो अपनी करो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो तवांग में वो घुसे बैठे हुए हैं, जो नॉर्थ सिक्किम के ऊपर जो आके उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए, सिविलियंस को बैठा दिया उन्होंने ग्रेजियर्स के नाम पे, रेलवे लाइन खींच रहे हैं, जब हम थे आज से 30 साल पहले तो शिगात्से में एक एयरफील्ड आ गई थी, हंगामा हो गया था, आफत मच गई थी। आज वो धीरे 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 निबलिंग, जिसको हमारी भाषा में निबलिंग एक्शन कहा जाता था, वो निबल करते चले गए आपको, और आप क्या नाम है हम नाइसिटीज में ही पड़े हुए हैं। आप देखिए हम मानते हैं कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, लेकिन क्या नाम है कमजोरी की पोजीशन से आप किसी को डील करें वो भी तो कोई वो नहीं है, हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हैं, हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हैं। इराक जो था उसके लिए एक
एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर था कुवैत जब वो घुसा था उसके अंदर, तो वो खड़ा वो रो देता, वो कह देता कि ठीक है भैया आप जाओ, अब हम कल से उनकी प्रोविंस हो गए। बट दैट इज नॉट द वे वी वो, आज की तारीख में आपके पास पोजीशन ऑफ वो है स्ट्रेटेजिकली, तो आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप एटलीस्ट उनको उनकी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक चीज बता दें, किसी को आप ये मत समझिए कि उसको चोट लगेगी तो वो उसको सह लेगा, वो चोट से डरता है, चाइना भी चोट से डरता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप चढ़ जाइए वहां पे, बट आप चोट से तो डरता है ना वो भी, इट डजंट वांट टू, वो आपसे कैलिब्रेटेड नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और दुनिया भर की वॉरफेयर में बिलीव करके आपसे खेल रहा है। मानते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट पावरफुल का ये मतलब नहीं कि हम उसको रिस्पॉन्ड ही ना करें। वो धीरे 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 वो क्या नाम है लद्दाख में भी घुस जाए और उसके बाद वहां भी घुस जाए, और आप क्या नाम है वैसे ही सीना ठोकते रहिए। किस बात का सीना ठोकते रहिए, हमारी जमीन, अरे हम लोग वहां रहे हैं भैया, हमने खून बहाया है वहां पे, हमारी पलटन आज रखी हुई, हम रात में सोते हैं तो हम उनके लिए दुआ मांग के सोते हैं कि हमारे कोई बच्चे जो हैं वो उसमें कोई आँच ना आए जो बिहारियों के ऊपर आँच आई थी। और हम ये जो कमजोर स्ट्रैटेजीज हैं इसके पीछे रिजल्ट्स देख चुके हैं। IPKF में क्या हुआ था, हाथ बांध दिए गए डिप्लोमेसी से, विद रिजल्ट हुआ क्या, लाइक अ विम्पर वी केम बैक। वीपी सिंह के टाइम पे दुनिया को मालूम नहीं था, जब ये बेचारे छुपके चाप लौट के आए हैं, ये वो लोग हैं जहां हमने शहादत दी, जहां पे हमने क्या नाम है बिल्कुल नई डॉक्ट्रिनल अप्रोचेस की। हमारा ये रोल नहीं था, आप जानिए हमारी फौज कैसे बनी थी, हमारी फौज किसके लिए बनी थी, जो मैंने पहले बोला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना और अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करना, हमारा बेसिकली ये रोल था। हमारा हेजमनिस्टिक रोल नहीं था, हमारा क्या नाम है कहीं रजीम चेंजेस वाला रोल नहीं था, जो कि आप देखते हैं चारों तरफ हो रहा है आजकल, जिनसे हमें बहुत मोहब्बतें हैं, अरे उनको करने दीजिए, जिबूती में अगर प्रॉब्लम हो रहा है लेट देम फेस आप कंक्लूड करिएगा, फिर मैं दूसरे को भी जरा उसमें ले लूं चर्चा में। नहीं नहीं, मैं आपने क्या नाम है एक किसी भी हिंदुस्तानी की और खासतौर से फौजी की दुखती रख पे हाथ रखा है तो हम बोलते तो हम चले जाएंगे, बिकॉज आज की तारीख में हम और कर क्या सकते हैं, हमारा कंक्लूजन ही नहीं है। हमारा कंक्लूजन उस दिन होगा जिस दिन हमारे को 2020 का स्टेटस को वापस मिल जाएगा, उस दिन कंक्लूजन होगा, आज कोई कंक्लूजन नहीं है हमारा जी। मेरे साथ कल चौहान जुड़ गए हैं, कल चौहान मैं आप सब लोगों का एक परिचय ये करा दूं, हाजी पीर दर्रे का नाम सुना होगा, हाजी पीर पास 65 की वॉर में अगर वो इम्पोर्टेंट पास था और अगर उसको हम लोग ने टाइमली नहीं लिया होता तो ये उस टुकड़ी के शायद मेरे ख्याल में भैया आप ही आप एक या दो लोग बचे होंगे, ये भी पार्ट ऑफ द टुकड़ी थी जिसने उस दर्रे को पाकिस्तान के हाथों से हमने उस चौकी को छीना था। ग्रेट टू आप टू बी आई मीन इट्स ग्रेट टू बी दैट यू आर इन दिस शो। भैया एक चीज ये कहती है जो कल फसी कह रहे हैं कि ये एज अ सिविलियन एज अ भारतीय हम लोगों को बहुत बुरा लगता है भाई चीन देखिए हमारी जमीन ली। आप लोगों ने जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाया है, जिन्होंने अपने साथी को खोया है, ये 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 केवल पॉलिटिकल मामला है और इट हैज अ बिजनेस ओवर टर्न की हम क्यों नहीं बोलते हैं चीन से कि भाई हम प्रोटेस्ट तो अपना करें, कम से कम हम बोलते ही नहीं है। मैं थोड़ा एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी भैया क्योंकि समय की वो है 5-7-10 मिनट में अगर आप कंक्लूड करें और वेयर वी स्टैंड एज अ डिफेंस पावर, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। गुड, ऐसा है वेरी नाइस क्वेश्चन। द थिंग इज देखिए चाइना की जो हमारी पॉलिसी है कभी भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कभी खुल के सामने नहीं रखी गई। क्या रखी गई, अब हमारे ख्याल से तो शुरू से, अब देखिए चाइना इंडिया ने पहला जो सेटबैक अपने मिलिटरली जो हुआ था वो चाइनीज वॉर 1962 का था, एंड देयर वाज सो मच ऑफ फॉर सो मच ऑफ यू नो नेशनलिस्टिक मूवमेंट।
everybody wanted to join armed forces and go and fight the Chinese and in Tibet. So, सवाल ये है कि yes, and the army was also revamped. Army was already good, but then army was not given the full kind of freedom to fight the way they should have fought or the way they should have prepared. एक 61 क्या 60 से it was on the horizon कि Chinese जो है वो टिबेट में कुछ एडवेंचर करेंगे. वाई 58 से था जब दलाई लामा आप भाग के आ गए इंडिया में, तो उस समय हमने संज्ञान इसका लेना चाहिए था, हमको संज्ञान इसका लेना चाहिए था और कुछ करना चाहिए था. अमेरिकन्स ने कितना सबको पता है, ये कोई राज की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना हमको उत्साहित किया, इक्विपमेंट देने के लिए कहा. टिबेट के जब रिफ्यूजीज आए उनको आर्म करने की बात हुई और उन्हीं को इंसर्जेंट रिएक्शनरी फोर्स बना के चाइनीज को टिबेट को फिर से रिकैप्चर करने वाली बात थी. क्या हुआ उस समय? तो चाइना के जो पॉलिसी थी हमारी वो तो मेरे समझ में तो कभी नहीं आई कि क्या पॉलिसी हमारी रही. आई डोंट थिंक देयर इज लैक ऑन पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, लेकिन ये है कि आर्म फोर्सेज आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, ये तो मैं भी फील करता हूँ. अब देखो आप तो इतने छोटे थे उस समय 62 में, सारा देश जाने के लिए था. आई टर्मिनेटेड माय एमबीबीएस स्टडीज एंड आई वेंट, ऑल्दो आई वेंट टू बी अ फाइटर पायलट एंड लेटर जॉइन द पेरिस. लेकिन सवाल ये है कि सबके मन में यह थी, अब 62 से लेके आज तक हमने कुछ नहीं किया बारिंग फ्यू स्कर्मिशेस हियर देयर और उसमें. और क्या हुआ ओवर द ईयर, चाइना ने अपनी सिचुएशन टिबेट में बहुत मजबूत की. देखिए ऐसा नहीं है कि आर्मी ने इनको पॉलिटिशियंस को बताते नहीं रहे कि देखिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए. जो आज क्यूमुलेटिव सिचुएशन है वो इट हैज बीन बिल्ट ओवर द इयर्स. ये कभी भी अक्साई चिन जब में जब चाइना आया और इसको टिबेट को एक्सप्लॉयट करने के लिए जब वो द ग्रेट अच्छा चीन से जो रेल लिंक इन्होंने बनाया उसको रोकने के लिए तो हमको कुछ करना चाहिए था. अक्साई चीन को हम कैप्चर रिकैप्चर कर, वो पार्ट ऑफ अस था, जेएनके का पार्ट था वो, उसमें तो कोई दुविधा नहीं थी, टिबेट नहीं था वो. इवन लेटर इयर्स लामा जी, आई कमांडेड द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, लामा जी वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडेंस इवन लेटर ईयर्स एंड ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एडवेंचर. कि पैराशूट से उनकी सारी फौज पैराशूट पर, आई एम नॉट टेलिंग एनी सीक्रेट्स, एवरीबडी नोज हिम, आई कमांडेड दैट एंड ओनली पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑल्सो गोज एंड कमांड्स दैट. उसमें एक टाइम था जब हम तैयार थे, लामा जी वॉज सेइंग यस लेट्स गो. उस समय देखिए स्ट्रेटेजिकली वी आर वेल ऑफ इन टिबेट, मैं फिर से बोलता हूँ स्ट्रेटेजिकली हम बहुत स्ट्रांग थे टिबेट में. क्यों? क्योंकि हमारे पास हवाई जहाज थे, हमारे पास ट्रूप्स थे और अगर लासा को हम कैप्चर कर लेते कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं था जिससे कि बिल्डअप कर सकते थे चाइनीज. ये रेलवे की भाई, मैं बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ, मेरे एक दर्शक भी कह रहा है, मेरा भी, मैं बीच में प्रश्न है एक मन में और संक्षेप में क्योंकि समय का एक है. देखिए आप ये सब लोग मानते हैं भाई पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो फेलियर था, बट वी मस्ट रिमेंबर कि वीकेएस मेनन वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स वी हैड, नॉट एज अ डिफेंस मिनिस्टर पर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, वन ऑफ द मैन ऑफ इंटीग्रिटी. वो नहीं चले हुए अलग बात है, उनकी और जनरल थिमैया की नहीं बनी वो अलग बात है. मैं फिर भी एक बात कहूंगा भैया कि जो ये एक जनरल प्रचार किया जाता है कि जनरल थिमैया और इन लोग बहुत नेहरू से गुस्सा हो गए, लेकिन जैसे ही एक वॉर खत्म हुई है ऑन 20th November 1962 जो वॉर कमिटी बनी उसके बाद, उसमें थिमैया वाज, थिमैया को बुलाया, थिमैया ने कहा यस आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी. तो ये कोई देश के लिए लड़ाई नहीं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती थी. प्रिंसिपल्स पे लड़ाई हो सकती है, पॉलिसीज पे लड़ाई हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी. मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं, फौज को भी अगर जब आप हिस्ट्री पढ़िए तो जनरल बीएम कॉल की बात कर ली, जनरल कॉल की बात कर लीजिए या किसी की करिए, कहीं ना कहीं फौज भी वाज नॉट प्रिपेयर्ड. मतलब हम पूरा ब्लेम आज आसानी से पॉलिटिकल लीडर्स पे डाल देते हैं, पर डू यू फील कि हमने वो सब ठीक किया था?
जिस तरह से हमने फोर्थ कोर को रेस किया लास्ट मिनट में जस्ट बिकॉज की कॉल साहब को फिट किया जाए, अभी इट इज नॉट द टाइम, टाइम बहुत कम है, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी क्विक व्यू फ्रॉम यू. नहीं नहीं, यू आर वेरी राइट. देखिए अभी मैं सुन रहा था कर्नल अहमद को, कर्नल अहमद वॉज ऑल्सो नरेटिंग द सेम थिंग वेयर ऑफ विच आप मुझसे लीड करने के लिए कह रहे हो. देयर नो डिनाइंग 62 में या आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. आफ्टरवर्ड्स क्या, अभी गलवान में क्या हुआ, अभी गलवान की बात कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं, पहले भी आपने किया था मेरे ख्याल से और कर्नल साहब ने किया बाकी. तो इट इज हाईली स्टूपिड ऑन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब डंडे से मार मार के एक कर्नल को, एक कमांडिंग ऑफिसर को, उसके 20 जवानों को मार दिया. कैन यू इमेजिन बी बीइंग इन द सिचुएशन, हाउ ऑन अर्थ अ मिलिट्री ऑफिसर एंड हिज ट्रूप्स गो इन द कॉम्बैट एरिया व्हेन लड़ाई जारी है और हॉट है सिचुएशन, इंग्रेस किया चाइनीज ने, कैन गो विदाउट वेपन. क्या ऑर्डर है, दो चार, एक पिस्टल अब इस पॉकेट से, पैटल को सम स्टेन गन और कुछ जवानों को पहले से किसी पहाड़ी पे चढ़ा के रखते, तो इट्स नो डाउट दैट आर्मी इज आल्सो टेकन अ बीटिंग एंड बीटिंग फॉर द वर्स्ट, देयर नो डाउट पहले भी. तो आप जो बात कर रहे हैं ओवर द इयर्स इस क्यूमुलेशन है, और जैसा एमएस साहब ने बताया था कि ये जो हमने ऑक्यूपाई किया था बाद में, ये क्या कहते हैं, ऑल दीज रेंजेस यू नो ओवर लुकिंग व्हाट इज दैट हिल, एनीवे सो उसको भी हमने बाद में वैकेट कर दिया, उस पर तो हमको रहना चाहिए था. मानसरोवर ओवर लुक करती है, मानसरोवर को जो रेंज है, मैं ऑपरेटेड आई एक्चुअली हैव बीन टू टिबेट विदाउट एनी, सो मेनी टाइम्स विद माय ट्रूप्स भैया, वो करना चाहिए. देयर नो डाउट कि द फॉल्ट इज आल्सो विद द आर्मी, वी शुड हैव टेकन रिवेंज, रिवेंज ऑफ गलवान, व्हाई हैवंट वी टेकन, व्हाई हैवंट वी कैप्चर सम ऑफ द एरिया वेयर चाइनीज आर स्टिल देयर. I'm not telling something new. Everybody knows about it. ठीक है. That point you are. भैया आप conclude करिएगा तो मैं जरा संजीव सूद साहब को भी ले लूँ, एक उनका view point भी है. नहीं please ले लीजिए उनको. अब क्या मतलब देखिए इसमें क्या कोई बता सकता है. एक तो ऐसी ही बात है कि दोनों तरफ से मेरे ख्याल से एक consistent policy जो रही है हिंदुस्तान की चाइनीज के खिलाफ या चाइनीज के संदर्भ में वो ये थी नो वॉर. They're scared of war. तो जी 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 भैया, go ahead. जी संजीव सूद साहब, मैं आपसे एक जरा इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मैं अभी 5-6 महीना पहले मैं जम्मू गया था और मुझे ये तो अंदाज था, लेकिन मैं वहां के बॉर्डर को कभी विजिट नहीं किया था. जम्मू का बॉर्डर तो बिल्कुल लगा हुआ है, मतलब इट इज ओवरसीइंग जम्मू. जैसे हम सब लोग ढूंढते हैं जाके श्रीनगर में और लेह में और लद्दाख में, जी मुझे लगता है आनंद सर का नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है. विवेक जी अपन में से कोई कमान संभाल लेता है. जी संजीव जी, आनंद सर जो पूछना चाह रहे हैं मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा समझ पाए हो. तो जो पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक जो खतरे हैं उनमें दोनों में क्या अंतर देखते हैं, और पॉलिटिकल हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसमें कोई कमजोरी आपको दिखाई देती है. जी संजीव जी. तो वो एक व्यक्ति खड़ा रहता है और पाकिस्तान उधर है और वो कहता है कि नहीं साल में 2-4 बार गोलियां, 2-4 महीने में गोलियां चलती हैं. और मुझे एक लगा कि एक बीएसएफ का जवान एक वहां ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी है, पता नहीं है कि कब गोली आ सकती है. ये मतलब आप कहीं बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि नहीं नहीं यहां जरा हवा तेज चलेगी, पानी पड़ेगा, तो एक छाता लेके चलते हैं. ये कैसे ड्यूटी कर सकता है भाई कोई, मतलब 24 घंटे ये डर लगा रहा है कि गोली कभी भी आ सकती है.
एंड समवन इज गार्डिंग यू देयर एंड समवन इज गार्डिंग द नेशन समवन इज गार्डिंग अस. मैं आपसे ये चीज इसलिए पूछ रहा हूं असू साहब कि मैं मेरी और आपकी एक अग्निवीर योजना को लेकर हम लोगों की बात हुई थी और आपका भी बहुत स्पष्ट हुआ था. अभी जब रशिया में मैंने देखा वो जो एक उनके मर्सनरी वो वैगनार साहब आ गए थे अपनी प्राइवेट सेना लेके, मुझे हिंदुस्तान 10 साल बाद का या 15 साल बाद का लगने लगा कि जो अग्निवीर योजना के बच्चे निकलेंगे वाई वी कांट हैव अ वैगनार हियर, हमारे पास इस तरह का अग्निवीर से ट्रेंड बच्चों का एक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपने इस प्रेशर में कि पैसा नहीं है और आप बजट कंट्रोल कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का क्या कॉस्ट होती है, क्या लाइफ कैन कोई क्या लाइफ की कॉस्ट आंक सकता है. मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट. जी नमस्कार. मैं अग्निवीर का जो सवाल आपने कहा, मेरा ये स्पष्ट व्यू है कि देश की सिक्योरिटी की कोई कॉस्ट नहीं हो सकती है, सब कुछ नगण्य है अगर हमारा देश सुरक्षित है, और उसके लिए अग्निवीर जैसी स्कीम लाना मेरे विचार में बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपनी स्किल्स को होनअप करेगा आर्मी में तब तक उसका बाहर जाने का टाइम आ जाएगा, और इतनी मात्रा में जब हमारे सोसाइटी में ट्रेंड लोग आ जाएंगे तो एक तरह से जो वेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी भी होने का बहुत खतरा है, जिसके ऑलरेडी आसार दिख रहे हैं, जिस तरह का हम सड़कों पर लव जिहाद और मीट जिहाद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उसको वेपनाइज सोसाइटी के होने का बहुत अंदेशा है, और इसलिए मैं इसको और इकोनॉमिक्स इसकी जो वर्कड आउट की गई हैं मेरे विचार में, अगर आप एक व्यक्ति को 10-11 लाख हर 4 साल के बाद दे रहे हैं और कोई एक सर्टन नंबर होगा और उसके मुकाबले में पेंशन देखी जाए तो कितना फर्क आएगा, ये भी एक सोचने की बात है. ये मैथमेटिक्स कहीं को बाहर निकालो ना, किसी को पता नहीं है ये किस तरह से ये वर्कआउट किया गया है, पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके हिसाब से ये अग्निवीर बहुत समझदारी की बात नहीं है. जो और बातें आती है रेजिमेंटेशन वगैरह वगैरह, उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आर्मी की जो लड़ाई है वो नाम नमक आदि के ऊपर चलती है, तो अगर हम उसी को डिस्टर्ब कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है. और मेरा ये सोचना है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमें फोकस करने की बजाय अग्निवीर ले आए या कर्नल से ऊपर के लोगों की वर्दी चेंज कर दी या इस तरह की चीजों पर बहस होने की बजाय, मुझे लगता है कि आर्मी की वॉर प्रिपेयर्डनेस पर, हमारी डिफेंस फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस की वॉर प्रिपेयर्डनेस पे होनी चाहिए. अगर हम 2014 की जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जो बाहर सूचना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया था. उन्होंने कह दिया था कि भविष्य का लड़ाई उस तरह के स्केल की नहीं होगी जिस तरह के स्केल की लड़ाई हम लोग लड़ चुके हैं, यानी कि हम, वो उनका ये कहना था कि अब हम छोटे छोटे युद्ध लड़ेंगे, हमारा दुश्मन विजिबल नहीं होगा, हम वो कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि वो फौज को एक बड़े लड़ाई लड़ने की बजाय जो दुश्मन के साथ फेस टू फेस होनी वाली है उसकी बजाय वो फौज को ये कह रहे हैं कि आप एंटी इंसर्जेंसी और एंटी मिलिटेंसी रोल में ज्यादा फोकस करें, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं. फौज की कोर कॉम्पिटेंस कहाँ है? फौज की कोर कॉम्पिटेंस है दुश्मन की आर्मी से लोहा लेना, ना के इंसर्जेंसी. ये बात और है कि उनको इंसर्जेंसी में भी एक्सपर्टीज हो गई है कश्मीर में और कई जगहों पर काम करते, पर वो कोर प्रोफेशन उनका नहीं होना चाहिए. और आप जो नैरेटिव हम देखते हैं मीडिया में, लोगों के आर्टिकल्स में, वो यही कहते हैं कि हमारी फौज जो है चाइना की फौज से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग हर भाई स्मॉल ऑप्स जो है, स्मॉल ऑप्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू द फुल फ्लेज मिलिट्री वॉरफेयर.
वो उनका ये कहना है कि हम 79 में चाइना ने लड़ाई लड़ी थी, हमने तो कारगिल में, कारगिल वाज अ वेरी लिमिटेड ऑपरेशन, एक लिमिटेड स्फीयर में हुआ था, रोज मिलिटेंसी हम लड़े, जितने भी एकेडमिशियंस जो इस इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं उनका, हम एक हमारी फौज की जो एक सोच है वो हमारी पिछली लड़ाई की सोच है, हम फ्यूचरिस्टिक वॉर के बारे में, मुझे नहीं, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है ये चीजें, फ्यूचरिस्टिक वॉर के बारे में हमारी कितनी प्रिपेयर्डनेस है। अगर हम फ्यूचरिस्टिक वॉर को ये स्मॉल ऑप्स वॉर समझते हैं तो ठीक है, फिर अपना आपका एक एजेंडा सेट हो गया है, पर और इससे ये हो रहा है कि जो जिस तरह की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे एक पॉलिटिसाइजेशन का जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आता है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री है। ऐसा तो है नहीं कि रिटायर्ड ऑफिसर्स एकदम से उनका व्यू चेंज हो गया। आप देखिए सोशल मीडिया में और कई कई फौजियों के ग्रुप्स में भी हूँ, कई और ग्रुप्स में भी हूँ मैं, वहां पर उनके विचार देखें, ऐसा तो नहीं होता है। जो ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, जो कम्युनलाइजेशन ऑफ आर्मी है, जिसकी आपने अभी एक घटना देखी थी कश्मीर में, उन्होंने मस्जिद में जाके उसकी, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी उसकी कंफर्मेशन नहीं की है आर्मी ने, पर वो एक एग्जांपल है कि हमारी फौज में जो कि एक एपॉलिटिकल और मल्टी रिलीजियस विचारधारा को फॉलो करती है उसमें डल्यूशन काफी हद तक हो रहा है, और ये डल्यूशन अगर कमांडर्स के दिमाग में है तो वो चीजें परकुलेट होती हैं नीचे जवानों के बीच में, ये एक बहुत खतरनाक। अभी आप मणिपुर का की घटना देखिए जहां पर फौज ने 12 मिलिटेंट्स को रिलीज कर दिया, और मैं देख रहा हूं आर्टिकल्स रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स लिख रहे हैं यूलोजाइजिंग दिस एक्ट ऑफ आर्मी। भाई आपने अगर उनको उनके प्रेशर में उन मिलिटेंट्स को रिलीज करने की बजाय और स्टेप्स थे जो लिए जा सकते थे, शायद जो पुलिस मेथड इस्तेमाल करती है डिस्पर्सल ऑफ क्राउड की, पुलिस की मदद ले सकती थी, वन कुड हैव फायर्ड इन एयर, वन कुड हैव फायर्ड एट द लोअर लिम्स टू डिस्पर्स द क्राउड जो फौज को प्रेशराइज कर रही थी, इंस्टेड आपने वो रिलीज कर दी, तो इसमें इनको रिलीज करने में और अजहर मसूद को वहां पर जाकर छोड़ने में फर्क क्या रहा? हम हर जगह एक वीक नीड लीडरशिप को प्रोजेक्ट कमांड डिसीजन, लोकल कमांड का डिसीजन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये डिसीजन जो है कोई भी छोटा कमांडर नहीं ले सकता है जो स्पॉट पर है, ये बिना किसी ऊपर के कमांडर के अप्रूवल के नहीं आ सकता, और ऊपर का कमांडर भी ऐसा कोई डिसीजन तभी लेगा जब उसको पॉलिटिकल लीडरशिप से हिदायतें मिली होंगी, अन्यथा 12 मिलिटेंट्स, खतरनाक मिलिटेंट जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही है हमारे फौजियों को और दूसरे सिविलियंस को मारने में, उनको आपने छोड़ दिया वैसे ही, अब आप दोबारा उनको ढूंढते रहेंगे। तो जो एजेंडा प्रधानमंत्री ने 2014 में सेट किया था उससे मेरे विचार में फौज की प्रोफेशनलिज्म पे असर पड़ रहा है, फौज की जो एपोलिटिकल एक एंटिटी है उस पे असर पड़ रहा है, और अगर इस सब चीजों को नहीं रोका गया तो चाइना तो क्या, मुझे खतरा है कि हम किसी और छोटे वेस्टर्न नेबर से भी हमारी लड़ाई करने की क्षमता रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी वो उस वॉर को सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, जरूरी है कि हमें इस एबिस में जो हमारी डिफेंस फोर्सेस जा रही हैं उनको रोका जाए, सुधार के एक्शन लिए जाएं, जिसके लिए ये जरूरी है कि हमारे आर्मी लीडरशिप में थोड़ी स्पाइन डेवलप करने की आवश्यकता है। जी, थैंक यू। मैं संजीव सूद साहब, मैं एक और चीज बताऊं, ये देश के ज्यादातर लोगों को
दिखाया जाता है भाई हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान की जो फौज है वो इस पॉलिटिकल लीडरशिप आप जैसे कहेंगे उनके सबर सेंट है। जनरल मानेक शाह ने इंदिरा गांधी से द ओनली जनरल जिन्होंने मुंह पे कहा कि आप कहेंगे तो हम अटैक करेंगे, जब 71 में उन्होंने कहा कि अप्रैल में कि चलिए अब अटैक करिए, लेकिन आई गारंटी यू डिफीट, तो ये कहने की उस जनरल की हिम्मत थी और उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप की सुनने की भी हिम्मत थी। इट वाज अ टू वे थिंग, ये वो एक दैट जनरल हैड द स्पाइन टू से एंड दैट लीडरशिप आल्सो हैड द गट्स टू लिसन। खैर मैं एक और चीज अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर राकेश आपके पास आ रहा हूं, कई लोगों को लगता है कि बॉर्डर से हमें क्या, चीन ठीक है बॉर्डर है जम्मू कश्मीर वाले अपना लड़े हमसे क्या मतलब। मैं जानकारी के लिए बता दूं हिंदुस्तान का जो लैंड बॉर्डर है करीब 15,000 किलोमीटर और जो कोस्ट लाइन है करीब 7,516 किलोमीटर। हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं, केवल 5 स्टेट ऐसी हैं जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो 23 स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर से मतलब है। तो इसलिए एक तो ये बात मान लीजिए कि मुझसे क्या मतलब, ये दर्शकों को मन से निकाल आपसे बिल्कुल मतलब है क्योंकि हिंदुस्तान की 28 में से 23 स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर से मतलब है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारी 9 कंट्रीज से लंबा बॉर्डर है और ये जो आज मणिपुर लोगों को लग रहा ना अरे छोटा सा है, मिजोरम 10 लाख लोग हैं, 20 आपके अगल बगल आपके लोग हैं, बांग्लादेश म्यांमार चीन ये घिरे हुए राज्य हैं भाई। आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अपना सो जाइए क्योंकि छोटा राज्य है, ये अहम राज्य है इस देश के स्वतंत्र रहने की, इस देश के उसके लिए अहम है। डॉक्टर राकेश मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप मिलिट्री साइंस को भी मतलब स्टूडेंट भी रहे पढ़ाए भी कि हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, सिविक्स पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री 47 के बाद की क्यों नहीं सिलेबस में है? लोग आज वो हैं कि नहीं टीपू सुल्तान को हटा दो, उनको निकाल दो, सावरकर जी को ले आओ। 47 के बाद की इंडियन आर्मी की जो गाथा है वो क्यों नहीं पार्ट ऑफ द इंडियन वो है? आपने 70-75 भारत रत्न दे दिए, 18-19 आपके जो परमवीर चक्र है ये पार्ट ऑफ सिलेबस क्यों नहीं है? मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और डॉक्टर साहब वो एक प्रश्न रहेगा ही कि चीन को हम लाल आंखें कब दिखाएंगे, वो एक प्रश्न है। पहले तो विषय पर आपने जो अभी सवाल पूछा, हमारे साथ कर्नल फसी हैं, सूद साहब हैं, वीर साहब हैं, मैं बहुत विनम्रता से आप लोगों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ चूंकि आनंद सर ने जिक्र कर दिया है, मेरी पढ़ाई मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मिलिट्री साइंस में है, मेरा डॉक्टरेट मिलिट्री साइंस में है, भारत और पाकिस्तान का जो एटॉमिक वॉरफेयर हमारे पास जो हथियार है परमाणु उस पर मेरा डॉक्टरेट है। आनंद सर मैं आज भी कई जगह जब बताता हूँ कि मैं मिलिट्री साइंस में पीएचडी हूँ, मिलिट्री साइंस से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत से लोग ये पूछते हैं जो कौन सा सब्जेक्ट है। देश में कुल मिला के 4 या 5 राज्य है जहां मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में शायद डिफेंस स्टडीज कहते हैं, मध्य प्रदेश में उसे मिलिट्री साइंस कहते हैं, और कितने राज्यों में है मुझे नहीं मालूम। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जब हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में, इसकी पढ़ाई कर रहे थे जीवाजी विश्वविद्यालय में, तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है पीएससी जिसको कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें इसको सब्जेक्ट के बतौर शामिल किया जाए। पर हमारा पूरा छात्र जीवन आंदोलन करते निकल गया और अब तो सवाल ही नहीं है, हम इस विषय को पीएससी में एज ए सब्जेक्ट शामिल नहीं करा पाए। तो हमारे देश में हम दुनिया के 9 देशों से घिरे हुए हैं, हम कोई लाओस की तरह लैंड लॉक कंट्री नहीं है, हमारे पड़ोसी झगड़ालू पड़ोसी हैं, संयोग से एक हमारे हिस्से से टूटा हुआ हमारे हिस्सा है टूटा हुआ। इसके बावजूद हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य विज्ञान को या सेना की जरूरत को पढ़ाई के रूप में नागरिकों को, मैं ये अनिवार्य सैन्य शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं अनिवार्य सैनिक सेवा की भी बात नहीं कर रहा कि हर आदमी को एक बार सेना में काम करना ही चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ाया जाना चाहिए था कि हमारे देश की भू राजनीतिक जो स्थिति है, हमारी जो जियो पोलिटिकल पोजिशन है, हमारी जो सामरिक स्थिति है, साधारण तौर पर नागरिकों को युवाओं को यह मालूम रहे कि हमारे आसपास खतरे कौन से हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को देश में कितने लोगों को यह पता हुआ कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 14,45,000 की हमारी सैन्य ताकत है।
हमारे पास कितने परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास कितने हैं, हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक बड़ी भूल हुई है, किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। अब आपके आज के विमर्श पर आता हूं चीन के बारे में। विद्वत जनों ने बहुत विस्तार से सारी बात कही है, मुझे दो तीन अंतर दिखाई देते हैं। मैं अभी जो आखिर में चर्चा सूद साहब की सुन रहा था कि राजनीति को, हमारी सेनाओं को अपॉलिटिकल रहना चाहिए, लेकिन पिछले 8-9 सालों में सर जितना सेना का राजनीतिकरण हुआ है, जितना सेना के नाम पर वोट बटोरने का काम हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने गलवान के बाद हमारे प्रधानमंत्री को यह कहते सुना है, ना कोई घुसाया है। आप सब फौजी लोग हैं, मैं नहीं समझता आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अभी कर्नल फसी कह रहे थे कि कम से कम ये तो स्वीकार किया जाना चाहिए कि यहां तक अंदर तक घुसे हैं, तो इतनी बातचीत जो चल रही है जनरल लेवल की, वापस जाने की तो तब बात होगी जब आप स्वीकार करेंगे कि चीन यहां तक घुस आया है। ये बदले हुए परिदृश्य में बहुत चिंता की बात। लोग 62 के लिए चीन के आक्रमण के लिए नेहरू को दोष देते हैं, हम सब लोग आज भी आलोचना करते हैं, लेकिन क्या तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था सर्वदलीय बैठक में या पार्लियामेंट में कि कोई न घुसाया न घुसाया है? तब संसद में खड़े होकर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनकी आलोचना की थी। तब संसद भवन को घेरने के लिए तत्कालीन जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच गए थे, किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा था। लेकिन आज इस चर्चा को कोई सुन लेगा तो कर्नल फसी, सूद साहेब, वीर चौहान साहेब, माफी चाहता हूं, आप तीनों लोग राष्ट्रवाद के तथा कथित ठेकेदारों की नजर में देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि आपने सेना पर सवाल किया है। मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं, लेकिन 62 के समय आप थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उस समय किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने महावीर त्यागी को देशद्रोही नहीं कहा जिन्होंने नेहरू की आलोचना की। यह बदला हुआ निजाम है, इसमें सेना की तस्वीरें लगाकर, बालाकोट के ऑपरेशन की तस्वीरें, शहीद सैनिकों की तस्वीरें लगाकर उत्तर प्रदेश में होर्डिंग और बैनर लगाए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं। ये अमृतकाल है सर, जिसमें प्रधानमंत्री कर्नाटक के पिछले चुनाव में पहली बार के वोटर्स से कहते हैं कि क्या आपके आपके जीवन का पहला वोट शहीदों के नाम पर नहीं पड़ना चाहिए? शर्म नहीं आती हमारे देश के प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट मांगते हुए? और क्षमा कीजिए सर, अभी गुजरात का चुनाव कुछ महीने पहले संपन्न हुआ है, उसमें भी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से जानबूझकर चलते चुनाव में ऐसे बयान दिलवाए गए जो ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और ये रहेगी, या गुजरात में बीजेपी की सरकार रहेगी तो गुजरात की सीमा पर जो पाकिस्तान की घुसपैठ होती है वो नहीं होगी। आप लोग फौजी अफसर रहे हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं कि जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल स्तर के अधिकारी सत्ता में बैठी पार्टी के लिए वोट जैसा मांग रहे हैं? सिर्फ इतना ही तो नहीं कहते टीवी पर आकर कि वोट फॉर बीजेपी, इसके अलावा बिटवीन द लाइंस तो वे सब कुछ कह देते हैं। और तब आनंद वर्धन सिंह जी, अगर आप ये उम्मीद करें जब प्रधानमंत्री चीन शब्द का उच्चारण 2020 से आज तक नहीं कर सके, मैं 3 साल से लगातार सोशल मीडिया पर पूछ रहा हूं, फेसबुक और ट्विटर पर, चीन शब्द कब उच्चारित करेंगे देश के प्रधानमंत्री? तब आप सोच रहे उन्हें लाल लाल आंखें दिखाएंगे वे, तब आप सोचते हैं कि वे जनरल स्तर की बैठकों में ये स्वीकार करेंगे कि चीन ने अतिक्रमण किया है, उसकी कॉलोनी बन गई है, उसके 3 शेड लग गए हैं, वो गश्त कर रहा है, उसने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। एक सार्वभौम स्वतंत्र देश दुनिया के इतिहास में पहली बार अपने पर हुए अतिक्रमण पर मौन है। कर्नल फसी, सूद साहेब, वीर साहेब, मुझे बताइए, सैन्य विज्ञान का मैं बहुत साधारण विद्यार्थी हूं, बहुत व्यथित होकर पूछ रहा हूं, दुनिया के सैन्य इतिहास में आज से पहले कब हुआ जब किसी पीड़ित देश ने अपने ऊपर हमला करने वाले देश का नाम नहीं लिया हो? क्या कुवैत ने नहीं कहा होगा कि ईरान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हमारे ऊपर बम्बार्डिंग किया है, यहां तक घुसपैठ कर लिया है? इतना सा टुइया जैसा देश कुवैत, और हम विश्वगुरु हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, और हमारा प्रधानमंत्री अतिक्रामक देश का नाम लेने का साहस नहीं जुटा पा रहा।
मुझे एक साधारण भारतीय होने के नाते, आधा अधूरा सैनिक होने के नाते, मैं एक बात और जोड़ दूं सर, मैंने वन कोर हेडक्वार्टर मथुरा से डिफेंस करस्पोंडेंस कोर्स किया है, 20 साल हो गए मुझे रक्षा संवाददाता कोर्स किए हुए, मैंने सिविल वॉर की रिपोर्टिंग की है कोसोवो में, लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं दुनिया की पूरी सामरिक, दुनिया के पूरे इतिहास को पढ़ता हूं, सैन्य इतिहास को पढ़ता हूं, तो मुझे कहीं नहीं दिखता कि कोई पीड़ित देश अपने पर आक्रमण करने वाले, अपने भीतर तक घुसाने वाले देश का नाम न ले, और जब हम और आप जैसे लोग सवाल पूछे तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। मैं आखिरी हाथ से करना चाहता हूं कि जो शायद सूद साहब ने अग्निवीरों की बात कही थी, तो जब अभी रूस में वैगनर का नाम मामला सामने आया तब मेरे ध्यान में एक बात आई थी, मेरे मित्र ने उन्हीं शब्दों में लिख दिया था, फिर इसलिए मैंने नहीं लिखा वो, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कि कल के अग्निवीर परसों के वैगनर होंगे इस देश में। 4 साल बाद हमारे समाज के भीतर एक उश्रृंखल ससैन्य भीड़ जो सेना का थोड़ा बहुत प्रशिक्षण लेके आएगी वो कल की वैगनर बन जाएगी, नहीं बनेगी इसकी गारंटी कौन ले सकता आज की तारीख में। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं कि सेना पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, सेना कोई अबद्ध गाय नहीं है, कोई होली काऊ नहीं है, न्यायपालिका कोई होली काऊ नहीं है, लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और देश की बेहतरी के लिए सवाल पूछना जरूरी है, सेना का राजनीतिकरण न हो ये सर्वश्रेष्ठ बात होगी। जी आनंद जी। जी मैं विवेक जी बस आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हमारे बहुत से दर्शकों ने इसको कहा कि ये जो एक टिप्पणी आई थी विदेश मंत्री की, वो बड़ी इकोनॉमी है और हम छोटी इकोनॉमी है, और ये अजीब सी टिप्पणी थी। अगर वो बड़ी इकोनॉमी है तो क्या हम चुप हो जाएं? क्या अगर वो बड़ी इकोनॉमी है और वो हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो व्यापार की गरज किसकी है, उनकी है कि हमारी है? मैं इस पे जरा आपसे, फिर क्यों डरते हैं? पीएम फंड में कोई चीनी पैसा आया कि नहीं आया, ये ट्रांसपेरेंट हो कि क्यों नहीं बता देते हैं? भाई आज देश में एक बैक ऑफ द माइंड में लोगों को है कि पीएम केयर फंड में पैसा आया है चीन का, तो आप बताइए ना कि ट्रांसपेरेंट हो कि ये पैसा आया और इन इन जगह से आया। इस पे जरा मैं एक टिप्पणी, क्योंकि ये एक लोगों को बार बार व्यथित कर रही है बात कि वो बड़ी इकोनॉमी, हम छोटी इकोनॉमी, वो बड़ा मतलब तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। विवेक देशपांडे सर जी, आनंद जी, ये जो वक्तव्य था हमारे विदेश मंत्री का, उसके ऊपर चर्चा बहुत हो चुकी है, और वो किसी भी मायने में वो सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर आप देश के वीकनेस को इस तरह से पब्लिक फोरम पर जाकर कहेंगे तो उससे पूरे देशवासियों का भी कॉन्फिडेंस हिलता है। तो आपने ये बात बिल्कुल सच है, बात सच है जो उन्होंने कही, बात सच है, लेकिन कई बातें ऐसी स्ट्रेटेजिक होती है जो सच होने पर भी नहीं बताई जाती, नहीं बताई जानी चाहिए, क्योंकि देशवासियों का जो हौसला है उसको अगर आप उस हौसले में सेंध लगाने का काम करते तो आप देश हित का काम नहीं कर रहे। यही हमारे विदेश मंत्री है जो यूरोप को बहुत खरी खरी सुनाते हैं कि आप अपनी पहले पॉलिसीज आपने गिरबान में झांक कर देखिए। हालांकि अगर आप विचार करें तो चाइना और यूरोप, चाइना और अमेरिका, इनके बीच में हमसे ज़्यादा करीब, आइडियोलॉजिकली हमसे ज़्यादा करीब कौन है, स्ट्रेटेजिकली हमसे करीब कौन है, हमारे फायदे के कौन है? तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि हम यूरोप और अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर होने से हमारा फायदा है, और चाइना को जितना हम प्रोटेक्ट, चाइना से हम अपने आप को जितना बचाने की कोशिश करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बीजेपी का जो चाइना पॉलिसी है, मैं बीजेपी का कहता हूँ, भारत सरकार की चाइना पॉलिसी मैं नहीं कहता, क्योंकि ये भारत सरकार की चाइना पॉलिसी नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी एक इतिहास में अगर झांक के देखे तो पंडित नेहरू से हमेशा ही इस बात पर, पंडित नेहरू पर प्रखर टीका टिप्पणी करती रही है कि चाइना को चाइना के बारे में गफलती में रहे और चाइना से दोस्ती की बात करते रहे। उधर चाइना ने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी एक जमीन का टुकड़ा हड़प लिया,
और पंडित नेहरू को इस बात के लिए भी हमेशा ही बद्दुआएं दी जाती है कि उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है क्या हुआ, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास वॉज ग्रोइंग देयर। तो अब वही सवाल उठकर हम मोदी जी से भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे आर्मी से एक सवाल पूछना है, हमारे आर्मी के मित्र यहाँ हैं और जैसा राकेश जी ने कहा कि आर्मी से भी सवाल पूछने चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ इतने दिनों से कि ये चाइना जो हमारे ज़मीन में घुस आया है, कहते हैं कि कुछ 8-10 किलोमीटर के अंदर शायद वो हमारे जो क्या कहते हैं उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर शायद 8-10 किलोमीटर तक आ गया है। तो हमारी जो आर्मी है, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, वो जब हमारे इलाके की पहरेदारी करते हैं तो क्या वो हमारी जो सीमा है उससे 10 किलोमीटर अंदर 15 किलोमीटर अंदर ही रहते हैं, या फिर सीमा का जो एग्जैक्ट सीमा जहां पर है वहां पर क्या हमारी पहरेदारी नहीं होती? तो अगर होती है तो उसके बावजूद अगर चाइना इतने अंदर तक घुस आया है तो क्या हमारी आर्मी किसी गफलती में थी? क्या हमारे आर्मी के जवान जो है, हमारे जो अधिकारी है, उनसे कोई गलती हो गई? क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे जो डिफेंस के मित्र इस पैनल में है वो दे सकेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक आम नागरिक की धारणा तो यही होगी कि शायद हमारे जो पेट्रोलिंग टीम्स है वो उस समय उस स्थान पर नहीं थी जहाँ से चाइना अंदर घुस आया है, और 8-10 किलोमीटर बहुत छोटा इलाका नहीं होता। उसके बावजूद उसके बाद फिर आज जो स्थिति बनी हुई है ये सिर्फ मिलिट्री पावर की माइट की बात नहीं है, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस इलाके में कर रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके तहत वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो वो अर्थात मतलब वो मोदी सरकार से पहले से ही वो चल रहा है। तो उसको उसके साथ जितने भी सेंट्रल एशिया के देश है वो सारे उस प्रोजेक्ट के साथ में उसमें पार्टनर्स है, उनकी सम्मति है। तो हम स्ट्रेटेजिकली कहाँ हैं, ये सारे देश और हम एक दूसरे विजवी एक दूसरे के हम कहाँ हैं? क्या इन देशों के साथ हमारी डिप्लोमेसी इतनी वीक है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बिल्कुल बिंदास तरीके से चाइना चला रहा है कहीं भी? और हमने स्ट्रेटेजिकली क्या क्या किया है? देखिए, जब हम पंडित नेहरू को दोष देते हैं, दलाई लामा को पंडित नेहरू ने भारत में एक स्थान दिया, वो एक काउंटरवेट करके भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के काम आया। लेकिन जैसे ही मोदी जी का सरकार आया, आपने देखा होगा कि दलाई लामा को दरकिनार करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आपको याद होगा एक कोई बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक फंक्शन तिब्बत से रिलेटेड धर्मशाला में या फिर कहाँ हुआ था मुझे याद नहीं, उसमें भारत के सरकार के मंत्रियों को इस तरह की एक हिदायत दी गई कि आप उसमें शामिल ना हो। तो कुल मिलाकर दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो एक भारत में स्थान है उसको वीक करने का भी हमने काम किया ताकि चाइना जो है वो हमसे खुश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये सारा जो हुआ है उसके बाद ही हुआ है। तो हमने जो कुछ भी स्टेप्स लिए उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका एक इतिहास दूसरा ये भी है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उनको यूरोप और अमेरिका में एंट्री नो एंट्री थी, तब उन्होंने चाइना के साथ में अपने संबंध बहुत दृढ़ बना लिए थे। वो चाइना की शायद उन्होंने उस समय 6 बार चाइना वो गए थे। हो सकता है किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान को लेकर गए होंगे, गुजरात में इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, लेकिन वो गए थे। साथ साथ आरएसएस की भी टीम्स वहाँ पर जाती रही और कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है उसका जो अभ्यास है वो भी करने के लिए राम माधव के नेतृत्व में आरएसएस की टीम भी जाती रही। जो कम्युनिस्ट को आए दिन गालियाँ देते हैं, वो वहाँ का जो सिंगल पार्टी सिस्टम कैसा चलता है वो उसकी पढ़ाई करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए वहाँ गए, और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में भी उनका एक संबंध रहा। तो उसका बाद में हमने भारत में देखा कि किस तरह से कांग्रेस विवेक जी माफी के साथ इसको कंक्लूड करेगा, मेरा अगला सेशन असल में इस बार क्या हो गया है वो हाँ बैक टू बैक है, तो नेक्स्ट वो स्पीकर थैंक यू माफ कीजिएगा जी 2 मिनट। ऐसा है कि उसके बाद फिर चाइना के साथ में जो बॉनहॉमी मोदी
मोदी सरकार से ज्यादा पर्सनली मोदी जी की रही। हमने झूले पर झूलते हुए चाइना के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी भी देखे, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह का व्यवहार चाइना ने हमारे साथ किया और मोदी जी ये कहते रहे कि हमारे एरिया में कोई नहीं घुसा, तो जो हमारे 20 सैनिक वहां शहीद हुए, क्या वो चाइना के एरिया में गए थे? इस तरह का सवाल अपोजिशन ने उनसे पूछा भी नहीं है कि हमारे सैनिक कहाँ, उनकी शहादत कहाँ हुई, चाइना के एरिया में हुए कि हमारे एरिया में हुई? अगर वो हमारे एरिया में हुई तो हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से कहते हैं कि चाइना हमारे एरिया में आया नहीं? तो ये इस तरह की उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री धार दिवाली में जाकर सैनिकों के साथ में एक दिवाली मनाते हैं। भाई वही दिवाली की छुट्टी होती है जब वो अपने घर में जा सकते हैं, वहां पर उनको एंगेज कर देते हैं, वो सिर्फ अपने ऑप्टिक्स के लिए। तो ये सारा, उसके बाद में डिफेंस से रिलेटेड दो तीन मुद्दे मैं कहूंगा, वो महत्वपूर्ण है और वो इस चर्चा में अभी तक आए नहीं, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आपने पद निर्माण किया, उसका क्या फायदा हुआ? जो पहले विपिन रावत जो थे, उनकी डेथ हो गई मिसाइल में, हेलीकॉप्टर मिसाइल में, उसके बाद आपने बहुत मेहनत उस पद को खाली रखा। फिर अनिल चौहान जी को आपने बनाया सुपरसीड करके, जो उससे ज्यादा सीनियर थे उनको आपने नहीं बनाया, उनको बनाया, उसका आपको क्या फायदा हुआ? उस पद से जो आप अचीव करना चाहते थे उससे क्या भारत को हासिल हुआ है, उसका टेंजिबल फायदा क्या है? आसियान के साथ में आपने साउथ चाइना सी में एक नेवल एक्सरसाइज किया, वो आपने नो गो जोन में नहीं किया, जो नो गो जोन था उससे आप दूर रहे। तो ये सारी आपकी जो कुछ भी, और अमरीका के साथ में आपका जो अभी एसोसिएशन हुआ है, वो चाइना को काउंटरवेट करके आपको अमेरिका यूज कर रहा है। आप कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है खुद के लेवल पर, ऐसा नहीं है। चाइना अमेरिका के लिए आप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशन है, इसलिए आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी स्थिति आज भी बहुत नाजुक है चाइना से रिलेटेड, विजेवी चाइना आपकी स्थिति आज भी बहुत नाजुक है, और आपने पिछले 10 साल में उस नाजुक स्थिति को बहुत स्ट्रांग बनाने के हिसाब से कोई भी स्टेप नहीं लिया है और न लेते हुए आप दिख रहे हैं, ये सच्चाई है। जब इलेक्शन होता है तो आप इस पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब इस तरह के इश्यूज उठते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं, ये कह देते हैं कि हमसे पावरफुल है, हम क्या करेंगे। तो ये जो है कुल मिलाकर मोदी सरकार का फेलियर चाइना के फ्रंट पे, उससे पंडित नेहरू के फेलियर से ज्यादा स्टार्क है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, माफ कीजिएगा, जल्दी बहुत, हाँ क्योंकि मेरा अगला सेशन रहा। जी जी, जो हमारा ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी है, वो अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद डीजीएमओ की स्टेटमेंट से पता लगता है, जब हमने, डीजीएमओ ने कहा हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया, इफेक्टिवली वो उनको ये बता रहे थे कि भाई तुम आगे मत बढ़ाना, हम बस इतनी हमारी काबिलियत। जी, संजीव साहब, मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार, क्योंकि कुछ इश्यूज उठ गए हैं और उसको अगले ही हफ्ते अगर आप लोग के पास समय होगा तो एक बार उस पर एक अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विवेक साहब ने इश्यूज उठाए हैं वो जनता को भी, क्योंकि ये हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम आपसे आपसे समझना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ। माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी आज बाध्यता है, इसलिए मैं माफी के साथ। बहुत अच्छी चर्चा, थैंक यू सो मच।